तो भाई इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, इंडिया जीतेगी। वैसे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन कल के लिए इंडिया जिंदाबाद। इंडिया नहीं तो कौन बे, इंडिया के अलावा है कौन इधर। और वो ना न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाएंगे, वो बहुत अच्छा खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। स्पेशली विराट बहुत अच्छा खेलेंगे। ऐसा ही है, किसी टाइम पे पूरी दुनिया में हमारी बॉलिंग को माना जाता था कि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं। इस टाइम के इंडिया को मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी लेके जाएंगे और बॉलिंग भी इनकी सबसे ज्यादा बेस्ट है। ऑफ कोर्स इंडिया जीतेगी, आई नो इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है तो इंडिया ही जीतेगी। उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग और उनकी बैटिंग बेस्ट एंड बेस्ट है। आपको क्या नजर आता है, किनकी ओपनिंग पेयर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है? इंडिया की है और उसमें रोहित शर्मा अभी अपने, मुझे लग रहा है अपने लाइफ टाइम के ना सबसे अच्छे फेज में और फॉर्म में है। जैसे वो बॉलर्स को मार रहा है, मतलब हारिस रऊफ हो गया जो मतलब 150 से अबव बॉलिंग कर रहे हैं, उनको भी वैसे मार रहे बच्चों की तरह। दोस्तों तैयार हो जाओ वर्ल्ड कप 2019 का बदला लेने के लिए। आज न्यूजीलैंड से 2023 में पुराना हिसाब चुकाने का सही वक्त आ चुका है। इससे बेटर वक्त कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है इंडिया के पास। 2019 वर्ल्ड कप के मुकाबले का हिसाब चुकाने का, पूरा बराबर करने का आज मौका जो इंडिया के पास है, इससे बेटर मौका कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया है और जिस तरह से डोमिनेट किया है पूरी टीम को, न्यूजीलैंड से इसका बदला लेना तो बनता है। और देखो यार, काम ऐसा करो कि दुश्मन भी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाए। कल जो है सेमीफाइनल हिंदुस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच है और बहुत सारे लोग जो हैं इस मैच को लेकर बहुत बहुत सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ तक के देखें, पड़ोसी तो है ही हमारे और आपके दुश्मन है, वो तो बोलेंगे कि न्यूजीलैंड जो है वो हिंदुस्तान से ज़रूर जीतेगा। उनकी मीडिया वो लोग सब यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अभी तक 9 के 9 मैच जीता रहा है, लेकिन जो एक मैच हारेगा उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा हिंदुस्तान को। अब हिंदुस्तान के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि क्या फ़ायदा कि 9 के 9 मैच जीते लेकिन सेमीफाइनल में आके हारना है। अरे भाई क्यों हारेंगे, 2019 की बात कुछ अलग थी, उस वक्त हारने का रीजन था, इस बार हारने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन ओवरऑल टीम को अगर देखें तो बैलेंस टीम न्यूजीलैंड की है, उनकी बॉलिंग स्ट्रांग है, उनकी फील्डिंग अच्छी है और वो मेहनत कर रहे हैं। वो नॉन एशियन टीम है लेकिन मतलब वो मेहनत कर रहे हैं तो वो डिजर्व करते हैं मेरे मुताबिक। आपको क्या लगता है, इंडिया स्ट्रांग है न्यूजीलैंड? ओपनिंग के लिहाज से तो मैं कहूंगा इंडिया इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि एक तो उधर रोहित है और उसके साथ शुभमन गिल। लेकिन देखें मिडिल ऑर्डर में ना विलियमसन जैसे प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के पास और इसके अलावा हीटर्स हैं न्यूजीलैंड के पास। न्यूजीलैंड हाई स्कोर कर सकती है, अगर 350 से ऊपर स्कोर कर लिए उन्होंने पहले बैटिंग करके तो इंडिया के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे मेरे मुताबिक। न्यूजीलैंड बाजी मार भी सकता है, मतलब मिस हैप भी हो सकता है, ज्यादा चांस इंडिया के हैं, इंडिया के चांस है। क्यों, मतलब आपको एज अ होल टीम कैसी लगती है इंडिया की जो प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, कैसा परफॉर्म करने वाले, क्या एक्सपेक्ट कर रही है? बहुत कमाल का वो परफॉर्म करते हैं। इंडिया जब फॉर्म में आ जाती है ना तो वो फिर मतलब सबको पीछे छोड़ जाती है, छक्के छुड़ा देते हैं। हाँ, सबको पीछे छोड़ जाएगी, सबको पीछे छोड़ा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को किस तरीके से हराएगी और इस मुकाबले को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, काम धंधा छोड़ के टीवी के सामने बैठे हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।